तो 23 सितंबर को था नेशनल सिनेमा डे और उस दिन तुम 75 रुपीस में कौन सी भी मूवी देख सकते हो। और उस दिन धोखा राउंड द कॉर्नर मूवी रिलीज हुई थी, तो काफी सारे लोगों ने इसका फायदा उठाकर थिएटर्स में काफी सारे मूवीज देखे। लेकिन जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो उनको मैं बता दूं कि इस वाले वीडियो में मैं उस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया था और इस मूवी के फर्स्ट हाफ ने हमें काफी कंफ्यूज भी कर दिया था, जैसे कि इस मूवी का मेन विलन कौन है और इस मूवी की मेन स्टोरी क्या है। लेकिन जैसे जैसे इस मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। लेकिन इस मूवी का मेन विलन कौन है ये तो हमें लास्ट में ही पता चलता है। लेकिन अगर तुमने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर में हमें काफी सारे हिंट दिए गए थे इस मूवी को लेकर, लेकिन जिस तरीके का इस मूवी का ट्रेलर है वैसी ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मानना पड़ेगा इस मूवी के मेकर्स को कि उन्होंने इस मूवी के ट्रेलर में जरा से भी लीक नहीं होने दी इस मूवी की स्टोरी। ये मूवी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की और इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस मूवी को ज्यादा लंबा खींचा गया है। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग इस मूवी का फर्स्ट हाफ है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस मूवी का सेकंड हाफ। भले इस मूवी का कॉन्सेप्ट पुराना है लेकिन जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है वो मुझे काफी अच्छा लगा। इस मूवी की स्टोरी वही पुरानी टाइप वाली है कि एक टेररिस्ट आकर खुशाली कुमार को किडनैप कर लेता है। बाकी अगर बात करूं इस मूवी के एक्टर्स की तो इस मूवी के सारे एक्टर्स ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना है कि इस मूवी में नेपोटिज्म है। लेकिन अगर तुम नेपोटिज्म प्रोडक्ट बोलकर इस मूवी को वेस्ट समझ रहे हो तो तुम गलत हो। मूवी को सक्सेस होने के लिए मूवी की स्टोरी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए और वो इस मूवी में थी। लेकिन तुम इस मूवी को अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी में गंदी गंदी गालियां भी है। आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।